हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए और बोलते भी ऐसे ही ए यूनियन बी। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, इसमें वो सारे एलिमेंट होंगे, ईच वन ऑफ विच, जिसमें जो प्रत्येक जो है इज आइदर इन ए, या तो ए में होगा और इन बी, और इन बोथ ए एंड बी, या बी में वो एलिमेंट होगा या फिर दोनों में होगा, तो वो एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी, बी में, ठीक है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, जो एक्स जो एलिमेंट है वो तो या तो ए में होंगे और एक्स बिलोंग्स टू बी, या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे, ठीक है। जैसे है एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 6, ठीक है, और बी में है 2, 4, 5, 7, 8, सपोज ये है, ठीक है। तो वो एलिमेंट जो ए में होंगे, तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि इसमें आप कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसको किस तरह इसको इस तरीके से लिखेंगे, तो इस ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ए वाले एलिमेंट्स आएंगे और बी वाले एलिमेंट्स आएंगे, और जो ए और बी दोनों में है वो भी आएंगे, यानी 2, ये दो 2 दोनों में है वो आ गया, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है लेकिन आएगा, 4 दोनों में है वो भी आएगा, 5 बी में है ए में नहीं है तो 5 भी आएगा, 6 ए में है बी में नहीं है, ठीक है, 7 एंड 8, 2, 3, 4, 6 आ गया, 5 इसका आ गया, 7, 8 जो कॉमन वाले भी आ गए और नॉन कॉमन भी आने, ठीक है ना, उसे कहेंगे ए यूनियन बी। क्लियर है? अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के फिर से पूछ लीजिएगा, मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लियर? ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। इसको इसी तरह पढ़ते हैं, उल्टा यू बनता है बीच में, ए इंटरसेक्शन बी। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी के बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही लेकर हम इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स जो कि ए में भी होगा और बी में भी होगा, वो नंबर्स या वो एलिमेंट्स आएंगे। अब जैसे लेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 सपोज ये है, और बी में कौन से एलिमेंट है, बी इज इक्वल टू 2, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से दे रखे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है ना, तो क्या आ जाएंगे, 2 कॉमन है देखिए दोनों में, 4 इसमें नहीं है, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 8 है, 10 है, ठीक है, 10 है कॉमन, बस अब ये 12 और 14 इसमें नहीं है, यानी 2, 8 और 10 ये इसमें कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। क्लियर है?